गोरखपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस और इनामी बदमाश में मुठभेड़ हुई। इसी दौरान हुई राउंड फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बदमाश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि पकड़ा गया शातिर बदमाश रैया गैंग का सदस्य है, जिसने कुछ दिन पहले चौरी चौरा में पुलिस पर फायरिंग की थी। इनामी बदमाश पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी। भीम पासवान नाम का अपराधी है, जो कि D3 गैंग 2015 में थाना कैंट से रजिस्टर्ड गैंग का मेंबर है, और अभी विगत कुछ दिन पहले थाना चौरी चौरा के अंदर पुलिसकर्मी के ऊपर फायरिंग हुई थी। उस घटना के अंदर ये वांछित था, ये सहअभियुक्त था। इसके ऊपर इसके पूर्व में 12 मुकदमे हैं और ये इसके ऊपर 13वां मुकदमा हुआ था। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने जब पुलिस टीम पे फायरिंग करी है, तो आत्मरक्षा पुलिस की फायरिंग में इसको हाथ और पांव दोनों जगह गोली लगी है। इसके पास से एक पिस्टल और एक इसके पास से काले रंग की पल्सर भी बरामद हुई है। बाकी विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश भीम पासवान चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रौतेनिया का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, कारतूस, मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल घायल बदमाश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस अन्य आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप की रिपोर्ट।